राजभाई भी सोशल एक्टिविटी, राजभाई आप क्या कहोगे इस मामले में? भाई हम लोग यहाँ पे अभी ना कोयटा एंटी के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं हमारी टीम के साथ में, पीपल हेल्पिंग फाउंडेशन में। तो हम लोग जब वहाँ पर कब्रिस्तान में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि अब जो कब्रें मतलब 5 फीट होना चाहिए था, कब्र खोदना चाहिए था, वो कब्र 5 फीट नहीं खुद रही, वो कब्र सिर्फ 3 फीट ही खोदी जा रही है। देखा क्या? यस, मैं सर मैं आपको एक नहीं कितनी बता दूंगा, आप वहाँ पर भी आके पूछ सकते हो। कब्र खोदने वाले लोग हैं, 3 फीट पर कब्र खोद के नीचे दफनाया जा रहा है, क्योंकि अगर वो 4 या 5 फीट पर नीचे लेके जाएंगे तो बॉडी अभी रहेगी। ये लोगों को हम लोगों ने ये भी डिस्कस हो सकता है, ये हो रहा है सर, ये लाइव हम लोगों का देखा हुआ है। आप अंटा फील्ड में अगर किसी से भी पूछोगे आगे कि भाई कितने फीट पर कब्रें खोदी जा रही है, आप जाइए आज हम लोग यहाँ खड़े हुए, आप कब्रिस्तान जाइए, वहाँ पर कब्र देखिए कितनी फीट की खोदी हुई है, 3 फीट 4 फीट, जबकि इतनी कब्रें नहीं होती है, उसकी गहराई कम से कम 5 फीट 6 फीट 7 फीट जाती है। ये मुजाहिद भाई है जो कब्र गुसूल देते हैं, इन्होंने भी अपनी आंखों से देखा, वहाँ पर लाइव देख रहे हैं हम लोग। तो सर ये तो बहुत वो हो रहा है, पर ये किसी का एक का मसला नहीं, पूरे सबका मसला है। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की, एक्शन लेना चाहिए। हमारा रजाक शेख भाई भी मौजूद है, रजाक भाई।